स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट के लिए जो ज्योग्राफी सीरीज थी, अपन उसका अध्ययन कर रहे थे और ज्योग्राफी में NCERT 11th का अध्ययन अपन कर रहे थे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि भूगोल क्या है, भूगोल के बारे में जाना था। फिर उससे आगे वाली जो सेकंड वीडियो थी उसमें अपन ने देखा था पृथ्वी से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत थे उन सबके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो अपनी चर्चा का मुख्य बिंदु होगा दोस्तों, तारों की उत्पत्ति और तारों की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनके बारे में। तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों की उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों तारों की उत्पत्ति माना जाता है कि आज से लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुई। समय क्या था, 5 से 6 अरब साल पहले। तारों की उत्पत्ति आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तारों की उत्पत्ति से संबंधित जो मत प्रचलित है, जो सिद्धांत प्रचलन में है, वो दोस्तों कुछ ऐसे है कि प्रारंभ में क्या हुआ था, प्रारंभ में जब बिग बैग की घटना हुई थी, कब, प्रारंभ में पदार्थों का घनत्व क्या था, पदार्थों का घनत्व असमान था, क्या था, असमान था। और पदार्थों का घनत्व अगर असमान होगा तो फिर उन पदार्थों का गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, असमान होगा। तो असमान घनत्व के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी असमान था, जिससे गुरुत्व बल भी असमान हुआ। अब गुरुत्व बल असमान होगा तो दोस्तों क्या होगा, दो पदार्थ आपस में जुड़ने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ का गुरुत्व बल कम है और दूसरे पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, तो वो अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला पदार्थ कम गुरुत्वाकर्षण वाले पदार्थ को आपस में जोड़ लेगा, अपने के अंदर ले लेगा। तो इससे क्या हुआ फिर दोस्तों, एकत्रण की प्रक्रिया शुरू हुई। किस वजह से, ग्रेविटी पावर में अंतर होने की वजह से। और जब एकत्रण की प्रक्रिया शुरू हुई तो इससे किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किसका, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। अभी जो आकाश गंगा है जो निहारिका से बनी थी, किससे बनी थी दोस्तों, निहारिका से। और निहारिका क्या थी, ये हाइड्रोजन गैस का एक बादल था। तो आकाशगंगा का निर्माण हुआ और ये आकाशगंगा किससे बनी, निहारिका से बनी। और निहारिका क्या थी, ये थी हाइड्रोजन गैस का बादल। निहारिका क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का बादल है। और इस निहारिका से किसका निर्माण हुआ था, आकाशगंगा का। और आकाशगंगा जिसे अपन किसको कहते हैं, आकाशगंगा होती है दोस्तों असंख्य तारों का समूह है। किसका, असंख्य तारों का समूह है, इसको क्या कहते हैं अपन, आकाशगंगा कहते हैं। दोबारा से देखते हैं एक बार कि जब पदार्थ, यानी कि आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, जब पदार्थ जो प्रारंभिक अवस्था थी तब पदार्थों का घनत्व क्या था, असमान था। और असमान घनत्व होने की वजह से उनका जो गुरुत्व बल था वो भी असमान हुआ। और असमान गुरुत्व बल की वजह से एकत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब एकत्रण की प्रारंभ प्रक्रिया हुई तो आकाशगंगाएं बनने लगी, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोजन के बादल एक जगह एकत्रित होने लगे। और आपको पता है जब हाइड्रोजन गैस का गुंचित बादल बनेगा तो तारों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से तारों का निर्माण हुआ। और आकाशगंगाएं जो होती है वो असंख्य लाखों या बहुत सारे तारों का एक ग्रुप होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा आकार में बहुत बड़ी होती है। आकार कितना होता है इसका, बहुत बड़ा, यानी कि अपन कह सकते हैं 80,000 प्रकाश वर्ष से लेकर 150,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। प्रकाश वर्ष तक
क्या होता है, ये आकाश गंगा का व्यास होता है। ऐसा माना जाता है कि एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 प्रकाश वर्ष से लेकर 150,000 प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। ये क्या बात कर रहे हैं अपन, आकाश गंगा के आकार की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रकाश क्या है दोस्तों, तो दोस्तों प्रकाश जो है, प्रकाश वर्ष एक समय का माप नहीं है, ये दूरी का माप है। किसका माप है दोस्तों, दूरी का माप है। दूरी का माप कैसे है, देखिए प्रकाश वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों। प्रकाश सूर्य की जो किरण है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आप देखिए कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष होगा। समझ गए दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष होगा। यानी कि प्रकाश वर्ष जो है एक समय का माप नहीं है, ये दूरी का माप है। दूरी का माप मतलब जब अंतरिक्ष में यानी कि ब्रह्मांड में जब दूरी मापी जाती है तो दोस्तों वो मील इनमें नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है सूर्य की किरण एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस हिसाब से जितने सूर्य की जो प्रकाश है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वही क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष होगा। और ऐसा कहा जाता है कि एक अकेली आकाश गंगा का जो व्यास है वो 80,000 प्रकाश वर्ष से लेकर 150,000 वर्ष तक, प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। यानी कि आकाश गंगाएं आकार में काफी बड़ी होती है। अगर अपन देखें इसी आधार पर अगर अपन देखें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर अपन देखते हैं तो दोस्तों 14,95,98,000 किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। जो दूरी अगर अपन देखते हैं तो वो दोस्तों 14,95,98,000 है। अगर इस दूरी को हम प्रकाश वर्ष में देखें, अगर इसी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में देखें तो दोस्तों ये आती है 8.311 प्रकाश वर्ष। यानी कि अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 8.311 प्रकाश वर्ष। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में कितनी है, तो 8.311। और वैसे एक्चुअल में अगर अपन दूरी की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 14,95,98,000 किलोमीटर। तो आई थिंक आपको ये प्रकाश वर्ष जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तारों का निर्माण भी समझ में आ गया होगा। तारों का निर्माण क्या था, शुरुआत में पदार्थों का घनत्व भिन्नता, भिन्न घनत्व की वजह से ग्रेविटी पावर में भिन्नता आई, एकत्रण की प्रक्रिया शुरू हुई जिससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाएं आकार में काफी विशाल और बड़ी होती थी। आगे अपन देखते हैं तारों के निर्माण के बाद में, अब अपन देखते हैं ग्रहों के निर्माण के बारे में। तारों के निर्माण के बाद में अब अपन देखते हैं ग्रहों के निर्माण के बारे में। जो भी प्लेनेट है हमारे सौरमंडल में लगभग 8 ग्रह है, लगभग क्या 8 ग्रह है, और उन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। जैसे बाकी सब ग्रह बने वैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो अपन ग्रह का निर्माण के बारे में देख लेते हैं। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, अपन ने देखा भी कि जो तारों का निर्माण हुआ तो उनमें क्या हुआ, एकत्रण की प्रक्रिया हुई थी। एकत्रण की प्रक्रिया होने के बीच में क्या हुआ था, देखो सबसे पहले देखते हैं ग्रहों का निर्माण हुआ था 4.6 से 4.5 अरब वर्ष पूर्व। आज से लगभग 4.6 से 4.5 अरब वर्ष पूर्व ग्रहों का निर्माण हुआ था। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था कि जो गैस के झुंड थे उनके गुरुत्व बल के कारण
क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड का निर्माण मतलब अभी अपन देखेंगे आगे जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब इस क्रोड को अच्छी तरह अपन समझेंगे। क्रोड का निर्माण हुआ और जब क्रोड का निर्माण हुआ तो इसके चारों ओर जो धूल के कण है वो जमा होने लगे। किस वजह से? ग्रेविटी पावर के कारण। इसके चारों ओर, क्रोड के चारों ओर धूल के कण जमा होने लगे और धूल के कण जब जमा हुए तो किसका निर्माण हुआ? ग्रहणों का निर्माण हुआ। जमा हुए, डिपॉजिट हुए तो ग्रहण बना। क्या बना दोस्तों? ग्रहण। और जब ग्रहणों बना यानी कि गोलक बना, एक ग्रहणु बना तो अनेक ग्रहणों बनकर अनेक ग्रहणु बनकर एक विशाल पिंड का निर्माण हुआ। एक विशाल पिंड का निर्माण हुआ। और ये जो विशाल पिंड थे, इन विशाल पिंडों के आपस में मिलने से, इन पिंडों के आपस में मिलने से, पिंडों के आपस में मिलने से ग्रह बने। और ये जो काम है ये हुआ कब दोस्तों? ऐसी प्रक्रिया हुई कब? 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। अभी जैसे अपने देखा कि निहारिकाएं बनी थी, तारे बने थे, आकाशगंगाएं बनी थी। तो दोस्तों उस समय पर क्या था, जब गुरुत्व बल कम था और जो गैस के झुंड जो एकत्रण हो रहा था, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस एक जगह एकत्रित हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इस बिग बैंग घटना के समय पर बहुत सारे धूल कण भी ब्रह्मांड में क्या हुए थे? विस्तृत हो गए थे, फैल गए थे। अब जब गैस के झुंड एकत्रित हुए यानी कि हाइड्रोजन बादल बने, तो उस हाइड्रोजन बादल के गुरुत्व बल के कारण जो आसपास में जितने भी धूल के कण जो ब्रह्मांड में थे उन सबको उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। जब इन बादल के झुंडों ने यानी कि हाइड्रोजन गैस के झुंडों ने जब इनको अपनी ओर खींचा तो इसके चारों ओर एक पपड़ी का निर्माण होने लगा, एक परत का निर्माण होने लग गया, जिससे क्या बने? ग्रहाणु बन गया। और फिर दो ग्रहाणु या अधिक ग्रहाणु मिलकर एक उन्होंने एक खगोलीय पिंड का निर्माण किया। और जब बहुत सारे खगोलीय पिंड मिलकर सामने आए तो उसे अपन ने क्या कह दिया? उसे अपन ने ग्रह बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ था। आगे अपन देखते हैं सौर मंडल के बारे में। दोस्तों तारों के निर्माण, ग्रहों के निर्माण के बाद में अब अपन देखते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल का संगठन, कौन कौन से ग्रह है और कौन कौन से ग्रहों से हमारा सौर मंडल बना हुआ है, किसकी चर्चा करते हैं अपन? सौर मंडल की। दोस्तों सौर मंडल का जो जनक है, सौर मंडल का निर्माण निहारिका को माना जाता है कि निहारिका से क्या हुआ था? सौर मंडल का निर्माण हुआ था। अब ये निहारिका क्या है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन गैस के गुंथित बादल है, हाइड्रोजन गैस के बने हुए बादल है, जिसे नेबुला या निहारिका कहा गया। और इसी निहारिका से क्या बना? सौर मंडल बना। दोस्तों सौर मंडल जो है, अपना जो सौर मंडल है इसमें आठ ग्रह है। कौन कौन से आठ ग्रह? देखो पृथ्वी, अच्छा सॉरी डायरेक्ट पृथ्वी कैसे लेंगे अपन, बुध, शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल, फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आता है आपका शनि, फिर आता है अरुण और फिर आता है वरुण। अरुण और वरुण, इस तरीके से टोटल आठ ग्रह है। कितने हो गए दोस्तों? आठ ग्रह हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। इस तरीके से हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आठ ग्रह हैं। दूसरा एक जनक तारा है जिसे अपन क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं।
एक क्या है, जनक तारा है, सूर्य कहते हैं, और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रमश के आधार पर अपन ने इन ग्रहों को सेटअप कर दिया है। सबसे पहले सूर्य के पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। चार ग्रह क्या है, सूर्य के अंदर है। सूर्य और इन चार ग्रहों और बाकी के चार ग्रहों के बीच में एक शुद्ध ग्रह पट्टिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे खगोलीय पिंडों का एक असंख्य जो है मार्ग बना हुआ है, एक असंख्य पट्टी बनी हुई है छोटे 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 खगोलीय पिंडों का, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसके अंदर चार प्लेनेट हैं, चार ग्रह है, और इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी से बाहर भी कितने प्लेनेट हैं, चार ग्रह है। दोस्तों इन चारों ग्रहों को, इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्थिव ग्रह। इसके अलावा इन चारों ग्रहों को पार्थिवी ग्रह होने के साथ साथ आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। इनको क्या कहते हैं, जो बाहर वाले चार ग्रह है इनको जोवियन ग्रह, जोवियन, या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य और जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है इससे बाहर है, इसलिए इनको जोवियन यानी कि जुपिटर के समान ये मिलते हैं, बृहस्पति के समान इन सबके गुण है, इसलिए इसे जोवियन ग्रह भी कहते हैं, और इस इन सब ग्रहों के जो गुण है वो पृथ्वी के अनुसार है, इसलिए इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों पार्थिव ग्रह भी है और आंतरिक ग्रह के रूप के अंतर्गत भी आते हैं। दोस्तों इनके अलावा दो ग्रह और थे। अच्छा, एक ग्रह की आपको जानकारी होनी चाहिए जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो भी अपने सौर मंडल में था, लेकिन अगस्त 2006 में इसे अपने सौर मंडल से बाहर कर दिया गया और इसे एक बोना ग्रह बता दिया गया। क्या, बोना ग्रह, किसको, प्लूटो को। इसके अलावा यूबी 2003 भी था, लेकिन प्लूटो आपको याद रखना है कि प्लूटो अगस्त 2006 में अपने सौरमंडल से बाहर कर दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल जो समिति थी उसने इसको बोना ग्रह साबित कर दिया। तो दोस्तों अपन ने देखा कि सूर्य से दूरी के आधार पर शुरुआती चार ग्रहों को क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। आगे वाले चार ग्रहों को क्या कहते हैं, सॉरी, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। आगे वाले चार ग्रहों को जोवियन या आउटर प्लेनेट यानी कि बाह्य ग्रह कहते हैं। एक याद रख लेना, इसका जो उपग्रह है उसकी संख्या 0 है, इसकी 0 है, इसके 1 है और इसके 2 है। यानी कि पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका क्या नाम है, चंद्रमा। उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों, उपग्रह, देखो इस जनक तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो क्या हो गए, ग्रह हो गए, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया, चंद्रमा हो गया। ठीक वैसे ही मंगल ग्रह के भी उपग्रह। आगे अपन बढ़ते जाते हैं तो उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाती है। कम से कम आपको इनर प्लेनेट के उपग्रह याद रखने हैं, 0, 0, 1, 2, ये इनके उपग्रहों की संख्या है। इन ग्रहों में कुछ अंतर देख लेते हैं कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट में क्या अंतर है। दोस्तों ये जो ग्रह है, ये जो भी ग्रह है, ये ठोस चट्टानों से बने हैं। किससे बने हैं, ठोस चट्टानों से, यानी कि इनका जो सतह है वो क्या है, ठोस चट्टानों से बनी हुई है। जबकि ये किससे बने हुए हैं, ये गैसों से बने हुए हैं। किससे, गैसों से बने हुए हैं, जबकि ये ठोस चट्टानों से बने हुए हैं। ये क्या है, आकार में क्या है, बड़े हैं, आकार में बड़े हैं, और ये क्या है, आकार में छोटे हैं। अच्छा एक चीज अपन रिपीट करते हैं, आकार में छोटे हैं, कि दोस्तों यहाँ पर इन ग्रहों के ऊपर भी क्या थी, गैस के झुंड थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसें यहाँ पर भी थी। प्रारंभिक वायुमंडल की बात करते हैं, अपन पृथ्वी की बात करते हैं तो उसके भी वायुमंडल में ये गैसें विद्यमान थी, लेकिन सौर प्रवाह के कारण यानी कि सौर धारा के कारण यानी कि सूर्य के प्रकाश या सूर्य से निकलने वाली सौर वायु के आधार पर ये जो ग्रह है यहाँ से पूरी की पूरी जो गैसें है वो हटा दी गई, क्योंकि ये जनक तारा के पास में है, इसलिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, जबकि यहाँ पर सौर ऊर्जा ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर सौर पवन ने काम किया और यहाँ पर सौर पवन ने काम नहीं किया, क्योंकि इनकी दूरी थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए सौर पवन यहाँ पर प्रभावी कम थी और यहाँ पर प्रभावी ज़्यादा थी। तो सौर पवन ने क्या किया दोस्तों, इन ग्रहों से वो जो
आदिकालीन गैसें थी उनको हटा दिया, जबकि इन ग्रहों से आदिकालीन गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाई। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह है कि देखिए आकार में ये छोटे हैं, ये जो इनर प्लेनेट है, आंतरिक ग्रह है, ये आकार में छोटे हैं। और अपन ने देखा था कि जो आकार अगर यानी कि घनत्व और आकार उनका अगर छोटा होगा तो उनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। अब जब इनमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा क्योंकि आकार में बड़े हैं, तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा तो ये गैसों को बांधे रखेंगे, जबकि इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये गैसों को नहीं बांध पाए और गैसें इनसे हट गई। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा अब यहां पर अगर अपन देखें तो ये इनके अंतर हो गए। जो आंतरिक ग्रह हैं वो किससे? ठोस चट्टानों से बने हुए, आकार में छोटे हैं, और यहाँ पर आदिकालीन गैसें अब नहीं है क्योंकि यहाँ पर सौर पवन शक्तिशाली थी। दूसरी ओर ये जो ग्रह है यहाँ पर ये गैसों से बने हुए, आकार में बड़े हैं, इसलिए इनमें ग्रेविटी फोर्स भी ज़्यादा थी, सौर पवन यहाँ पर काम नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ पर आज भी विशाल जो गैस है उसके झुंड से ये ग्रह बने हुए हैं। तो दोस्तों ये सौर मंडल के बारे में अपन ने चर्चा की। सौर मंडल के बाद में अब अपन चर्चा करते हैं अपना आगे वाला जो पॉइंट है, चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित अपन जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सौर मंडल को देखने के बाद में अब अपन बात करते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित। दोस्तों चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4.44 अरब साल पहले हुई थी। आपको याद रखना है, ये चीजें भूलनी नहीं है। जो बिग बैग सिद्धांत था, यानी कि जो बिग बैग घटना थी, बिग बैग घटना हुई थी आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद में जो तारे बने, जो तारों का निर्माण हुआ 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। जो ग्रह बने, ग्रहों का निर्माण हुआ 4.5 से 4.6 अरब वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं चंद्रमा का निर्माण। तो चंद्रमा का निर्माण दोस्तों आज से 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये चीजें आपको याद रखनी है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। चंद्रमा का निर्माण हुआ था आज से लगभग 4.44 अरब साल पहले। दो सिद्धांत प्रचलन में है चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर। दोस्तों दो सिद्धांत कौन कौन से? एक बताया था डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? 1838 में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक ही जगह जुड़े हुए थे। इन्होंने ये कहा कि चंद्रमा और पृथ्वी इस तरीके से दोनों आपस में जुड़े हुए थे, और आपस में जुड़े हुए थे जिस जगह से जुड़े हुए थे वहाँ पर वो क्या थे, उनका जहाँ पे जुड़े हुए हैं वहाँ पर थे वो पतले, और दोनों साइड से क्या थे, मोटे थे। यानी कि जुड़े हुए होना, जैसे इस तरीके से वो लव का क्या क्या टैग बनाते हैं ना, इस तरीके से लव का किसका टैग बनाते हैं, तो इस तरीके से वो जुड़े हुए थे, यानी कि बीच से पतले और दोनों साइड से बड़े थे। तो जब ये दोनों साथ घूम रहे थे तो घूमते घूमते इनमें क्या हुआ, यहाँ पर इनमें दोनों में क्या हुआ, यहाँ से टूट गए, और टूटने के बाद में जो चंद्रमा था वो पृथ्वी के चक्कर लगाने लग गया। ऐसा किसने कहा था? डार्विन ने कहा था, लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता। अब सर आप बोलोगे, सर अगर स्वीकार ही नहीं किया जाता, माना ही नहीं जाता, तो फिर क्यों बताया जा रहा है? तो दोस्तों बताना पड़ता है, जरूरी है। अगर स्वीकार नहीं किया है तो भी इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति से सिद्धांत सर्वप्रथम डार्विन ने दिया था 1838 में, और कुछ इस तरीके का सिद्धांत उन्होंने दिया था। अब आगे अपन देखते हैं जो सर्वमान्य है और सर्व प्रचलित है, जैसे कि बिग बैग सिद्धांत अपनी पृथ्वी को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर, वैसे ही जो चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत है उसका नाम है द बिग स्प्लिट। क्या है दोस्तों? द बिग स्प्लिट क्या है दोस्तों, कि आज से कुछ समय पूर्व यानी कि लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था कि मंगल ग्रह से लगभग 3 गुना या 4 गुना बड़ा, जितना मंगल ग्रह है जो पृथ्वी के पास में है उससे 3 या 4 गुना बड़ा खगोलीय पिंड आकर पृथ्वी से टकरा गया। अब अपन ने देखो, जब अपन ने पढ़ रहे थे तो पहले क्या बना था, पहले ब्रह्मांड बना है ना दोस्तों। फिर ब्रह्मांड में क्या था, अपन ने देखा था एक छोटा सा अणु था, उसमें भयंकर विस्फोट हुआ। भयंकर विस्फोट होने की वजह से पदार्थों का फैलाव हुआ, विस्तार हुआ, और वो पदार्थों का विस्तार शुरुआत में तीव्र और बाद में धीमा था। ये अपन ने देखा बिग बैग की घटना के अंतर्गत। फिर जब तारे पड़े, अपन ने तारे क्या पढ़ा कि तारे जो है वो निहारिका से बने, और निहारिका क्या है, वो हाइड्रोजन गैस का बादल है। निहारिका क्या है? हाइड्रोजन गैस का बादल है जिससे तारे बने। अब इस तारों के
चारों ओर धूल के कण जब जमा हुए, यानी कि इस निहारिका के चारों ओर जब धूल के कण जमा हुए, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ग्रहों का निर्माण होने लग गया। और ग्रहों के निर्माण होने के बाद में अब अपने स्पष्ट क्या हो रहा है, अब अपने पास में स्पष्ट ये हो रहा है कि जो ग्रह बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं अंदर क्या है, करोड़ है। जैसे अपन ने देखा कि पृथ्वी के अंदर क्या है, करोड़ है, या सभी ग्रहों के अंदर क्या है, करोड़ है। यानी कि ये अपने उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि जो अंदर जो जला हुआ लावा था, जो जली हुई जो भाग था, वो तो अंदर की ओर रह गया, उसके चारों तरफ धूल के कण एकत्रित हुए, तो एक पपड़ी बन गई। तो अंदर तो अभी भी वही क्या है, गर्म है पृथ्वी, तो अंदर करोड़ है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा अत्यंत तापमान वाला पदार्थ अंदर पृथ्वी के अंदर है। तो ये बताया क्या जा रहा है कि 4.44 अरब साल पहले एक खगोलीय पिंड, क्या खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड जिसका आकार कितना था, मंगल ग्रह से तीन से चार गुना बड़ा ये आके पृथ्वी से टकरा जाता है। ये क्या है, अपनी पृथ्वी से टकरा जाता है। और जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी में प्रशांत महासागर की जगह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी से अलग हो जाता है। ये पृथ्वी का हिस्सा टूटकर मान लीजिए अलग हो गया, और जो पृथ्वी का हिस्सा टूटकर अलग हुआ वो क्या करने लग गया, पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गया, और उसे ही अपन ने क्या कहा, चंद्रमा कहा। यानी कि वर्तमान में जो चंद्रमा है इसकी उत्पत्ति आज प्रशांत महासागर में एक विशाल गर्त से मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह जितना बड़ा एक खगोलीय पिंड आकर पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी जो है बिखर गई, पृथ्वी वापस बिखर गई। और इसी समय पर क्या हुआ था दोस्तों, पृथ्वी वापस तरलीय अवस्था में आ गई थी, तरलीय अवस्था में आ गई थी। क्यों आ गई थी, अब अपने को पता है कि एक बोल है और एक बोल के अंदर आग है, और अगर उस बोल को फोड़ा जाएगा तो पूरी बोल ही क्या हो जाएगी, वापस आग में परिवर्तित हो जाएगी, तरलीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस समय पर पृथ्वी वापस तरलीय अवस्था में आ गई थी, और जब तरलीय अवस्था में आएगी दोस्तों तो क्या होगा, उसी समय क्या होगा, विभेदन की प्रक्रिया होगी। क्या होगी, विभेदन की प्रक्रिया। अब ये विभेदन की प्रक्रिया समझ में आ रहा होगा आपको, ये जो विभेदन की प्रक्रिया है, विभेदन की प्रक्रिया दोस्तों दो बार हुई थी। दो बार कब, जब पृथ्वी पहली बार तरलीय अवस्था में थी तब, और दोबारा से जब चंद्रमा का निर्माण हुआ और पृथ्वी पुनः तरलीय अवस्था में आई, फिर से विभेदन की प्रक्रिया हुई। विभेदन की प्रक्रिया होती क्या है दोस्तों, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। विभेदन की प्रक्रिया के अंतर क्या होता है, भारी पदार्थ पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं। कौन से पदार्थ, भारी पदार्थ पृथ्वी के अंदर की ओर, और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपरी ओर आते हैं, हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विभेदन की क्रिया। और ये विभेदन की क्रिया कितनी बार हुई दोस्तों, ये दो बार हुई, और दोनों बार जब पृथ्वी तरलीय अवस्था में थी, द्रव्य अवस्था में थी, तब हुई। एक बार चंद्रमा की उत्पत्ति के समय और एक बार शुरुआत में जब इसका निर्माण नहीं हुआ था। तो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है, द बिगेस्ट प्लेट है। द बिगेस्ट प्लेट के अनुसार आज से 4.44 अरब वर्ष पहले एक खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराता है, जिससे पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और जिससे चंद्रमा बनता है। ये टूटा हुआ हिस्सा पृथ्वी की परिक्रमा करना लगता है, और हम इसको क्या कह देते हैं, चंदा मामा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं चंदा मामा, क्योंकि पृथ्वी अपनी माता है, और पृथ्वी का माता का भाग यानी कि उसका भाई अपना क्या बना, मामा बना, तो चंद्रमा अपन इसे कहने लग गए। तो इस समय पे पृथ्वी वापस तरलीय अवस्था में आ गई थी, द्रव्य अवस्था में आ गई थी, जिससे दोबारा से विभेदन की क्रिया हुई। दूसरी विभेदन की क्रिया कब हुई, जब चंद्रमा का निर्माण हुआ, जब द बिग स्प्लिट की घटना हुई, तब दूसरी जो विभेदन की प्रक्रिया है वो सामने आई। तो दोस्तों ये था चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित दिया गया सिद्धांत। अपन जो है चंद्रमा, सौरमंडल, तारों, ग्रहों, इनके निर्माण के बाद में अब अपन देखते हैं पृथ्वी के उद्भव के बारे में। पृथ्वी के उद्भव में अपन देखते हैं पहले स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, फिर अपन देखेंगे जल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, फिर अपन देखेंगे वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं स्थल मंडल के निर्माण से संबंधित। दोस्तों अपन ने जैसे देखा कि जो ग्रह बने थे वो नेबुला यानी कि निहारिका से बने थे। निहारिका के चारों ओर धूल के कण जमने लगे, जिससे जो आंतरिक करोड़ था
वो ढकने लगा और जिससे क्या बने, ग्रह बने, ये अपन ने पहले भी चर्चा की थी। तो जैसे बाकी सब ग्रहों का निर्माण हुआ था, ठीक वैसे ही अपने स्थल मंडल का, पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण हुआ था। हम दोबारा से चर्चा करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो दोबारा से देख लेते हैं, जिस तरीके से बाकी सब ग्रह बने ठीक वैसे ही पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण हुआ। यानी कि पहले क्या हुआ, जो निहारिका थी, निहारिका के चारों ओर धूल के कण जमा हुए। क्या जमा हुए दोस्तों? धूल के कण जमा हुए, जिससे ग्रहाणु बना। चारों ओर धूल के कण जमा हुए। अब ये धूल के कण क्यों जमा हुए? ग्रेविटी पावर के कारण जमा हुए, जिससे ग्रहाणु बना, और फिर अनेक ग्रहाणु मिलकर, बहुत सारे ग्रहाणु मिलकर एक खगोलीय पिंड की रचना करते हैं, और ये पिंड बनाकर ही क्या बनते हैं? ग्रह बनते हैं। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी की स्थल मंडल का निर्माण हुआ था, कि जो नेबुला थी, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस का जो बादल था, उस हाइड्रोजन गैस के बादल के चारों ओर ग्रेविटी पावर के कारण आसपास के धूल के कण जमा होने लगे, और धूल के कण जब जमा हुए तो एक प्रपटी का निर्माण होने लगा, और प्रपटी का जब निर्माण हुआ तो क्या बनने लगे? ग्रहाणु बनने लगे। और फिर जब ग्रहाणु जो है वो आपस में मिलकर, दोस्तों आपस में क्यों मिले? क्योंकि सभी ग्रहाणों का घनत्व अलग था, और घनत्व अलग होने की वजह से उनमें ग्रेविटी फोर्स भी अलग था, और जब ग्रेविटी फोर्स अलग अलग होगा तो अधिक ग्रेविटी वाले जो ग्रहाणु है वो कम ग्रेविटी वाले ग्रहाणु को अपने से चिपका लेगा। यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे क्या बनेंगे? अनेक ग्रहाणुओं से क्या बन जाएंगे? ग्रह बन जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ पृथ्वी का स्थल मंडल का निर्माण हुआ था। एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें विभेदन की क्रिया भी महत्वपूर्ण थी। अब विभेदन की क्रिया मैंने बता दिया, अभी जब चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ा था पढ़ने, तब मैंने बताया था कि पृथ्वी जब तरलीय अवस्था में थी तो जो भारी वस्तुएं थी जैसे कि लोहा, निकिल, ये पृथ्वी के गर्भ में चले गए, और हल्की वस्तुएं, दूसरे जो तत्व थे, वो बाहर की ओर आए। इसे क्या कहा गया? विभेदन की प्रक्रिया। और ये दो बार हुई थी, जब पृथ्वी दोनों बार तरलीय अवस्था में थी, एक पृथ्वी के निर्माण के समय और दूसरा चंद्रमा की उत्पत्ति के समय। अब बात करते हैं अपने जलमंडल की। तो दोस्तों जब विभेदन की प्रक्रिया हुई थी, अब इसी से समझते हैं कि विभेदन की जब प्रक्रिया हुई, किसकी? विभेदन की जब प्रक्रिया हुई तो इस विभेदन की प्रक्रिया में बहुत सारी गैसें जो है बाहर निकली। यानी कि जब विभेदन की प्रक्रिया होने लगी तो बहुत सारी गैसें पृथ्वी के गर्भ से बाहर आई, और बहुत सारी गैसों के साथ में जलवाष्प व गैसें पृथ्वी से बाहर आई और पृथ्वी के वायुमंडल की ओर, यानी कि पृथ्वी में जो विभेदन हो रहा था उससे बाहर की ओर ये जमा होने लग गई। अब अपन ये देखते हैं कि जो अपना प्रारंभिक वायुमंडल था, उस प्रारंभिक वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज़्यादा थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी। तो जब जलवाष्प बाहर की ओर निकला, जब बाहर की ओर आया पृथ्वी से, किसकी वजह से? विभेदन की वजह से। पृथ्वी के गर्भ से बाहर की ओर आया जलवाष्प विभेदन की प्रक्रिया में। तो उस बाहर आने पर इसे किससे संपर्क में आया? CO2 के संपर्क में आया। ऊपर उठते वक्त ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आया, और दोस्तों जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आया तो इसका संघनन होना शुरू हो गया, कंडेंसेशन शुरू हो गया। किसका? जलवाष्प का। जलवाष्प का संघनन होना शुरू हुआ, बूंदों का निर्माण हुआ, और जैसे ही बूंदों का निर्माण हुआ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ। क्या हो गया? वर्षा स्टार्ट हो गई। अब देखिए पहली बार वर्षा कैसे हुई थी, आप इसको समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी में विभेदन की प्रक्रिया हुई थी, उस विभेदन की प्रक्रिया में बहुत सारा जलवाष्प पृथ्वी से बाहर गया था, और बाहर जाने पर वो जब CO2 के संपर्क में आया, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आया, तो वो संघनन यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, और जैसे ही कंडेंसेशन से आप वाटर ड्रॉप्स बनी यानी कि बूंदे बनी, तो प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा शुरू हो गई। और इसी वर्षा होने पर क्या हुआ दोस्तों? पृथ्वी पर जो गर्त थे, जो गड्ढे थे, उन गड्ढों में इन वर्षा का पानी जमा हो गया, और जहां पर पृथ्वी के गड्ढों में वर्षा का पानी जमा हुआ उसे अपन ने क्या कह दिया? महासागर कहना शुरू कर दिया। समझ गए महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो पहली बार जब ये वर्षा हुई, और ये वर्षा एक अल्पकालीन नहीं थी, एक बहुत लंबे अंतराल तक ये वर्षा चली थी, जिससे ये जो महासागर है यानी कि जो पृथ्वी पर जो गड्ढे थे, अगर अपन पृथ्वी की एक्चुअल आकृति देखें तो पृथ्वी की एक्चुअल आकृति गोल नहीं है दोस्तों, कुछ पृथ्वी पर इस तरीके के गड्ढे हैं, और ये जो गड्ढे हैं इनमें जो है वर्षा का पानी भर गया, और वर्षा का पानी जब इनमें भरा तो पृथ्वी की अपनी आकृति जो है अपने को कैसे दिखने लगी? गोल दिखने लग गई। तो ये महासागरों का निर्माण ऐसे हुआ, और जो सभी महासागर है वो आज से लगभग
लगभग 400 करोड़ वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं है, 400 करोड़ वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं है। और महासागर में जो कटक है यानी कि जो चट्टाने हैं वो भी स्थल की अपेक्षा ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि नवीन है महासागरीय स्थल मंडल की अपेक्षा नवीन है। इसके अलावा महासागरों में जो भी चट्टाने हैं वो भी स्थल मंडल की अपेक्षा नहीं है। आगे अपन देखते हैं वायुमंडल का निर्माण। दोस्तों जलमंडल का विकास हो गया, वायुमंडल की बात करते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे पहले CO2 से पहले भी कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैसें थी, हाइड्रोजन व हीलियम गैसें थी। जैसा अपन आज देखते हैं कि अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब गैसें आदि उस समय पर नहीं थी जब प्रारंभ में पृथ्वी बन रही थी। जब प्रारंभ में पृथ्वी बन रही थी तब हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। और जब अपन ने सौर मंडल पढ़ा और जोवियन और जो पार्थिव ग्रह पढ़े तो उनमें अपन ने देखा कि पार्थिव ग्रहों के ऊपर भी हाइड्रोजन और हीलियम थी और जोवियन ग्रहों के ऊपर भी हाइड्रोजन और हीलियम थी। लेकिन पार्थिव जो ग्रह है वो सूर्य के निकट थे यानी कि जनक तारा के पास में होने के कारण यहां पर सौर पवन ज्यादा प्रभावी थी, यानी कि सूर्य की जो सौर पवन थी वो ज्यादा काम कर रही थी इनर प्लेनेट पर, आंतरिक ग्रहों पर। तो जैसे सौर पवन ने क्या किया, उस जो पार्थिव किरण, पार्थिव जो ग्रह थे इनसे जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी यानी कि जो आदिकालीन गैसें थी उनको यहां से धकेल दिया, यानी कि जो पार्थिव ग्रहों से ये गैसें चली गई, दूर चली गई। किस कारण से, सौर पवन के कारण से। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आदिकालीन गैसें कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम थी, है ना। तो ये जो गैसें थी वो पार्थिव ग्रहों से दूर दूर चली गई सौर पवन के कारण। दूसरा अपन ने ये भी देखा था कि पार्थिव ग्रह जो है वो आकार में छोटे हैं और आकार में छोटे होने की वजह से इनमें ग्रेविटी फोर्स भी कम है और ग्रेविटी फोर्स के कारण, कम होने के कारण ये इन गैसों को बांधे नहीं रखे, यानी कि ये गैसें यहाँ से चली गई जोवियन ग्रहों की तरफ। तो प्रारंभ में कौन सी गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम। देखो वायुमंडल का अगर अपन विकास की बात करें तो तीन चरणों में अपन विकास की बात कर सकते हैं कि प्रारंभ में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी लेकिन सौर पवन के कारण ये दूर चली गई। किसके कारण, सौर पवन के कारण ये पृथ्वी से दूर चली गई। फिर दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि दूसरी अवस्था में विभेदन की प्रक्रिया हुई। पहली अवस्था क्या थी, सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैसें वायुमंडल से दूर जाना। अच्छा दूसरी अवस्था में क्या हुआ, विभेदन। क्या हुआ दोस्तों, विभेदन। जो मैं लिख रहा हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा से बैक जाकर इसको सुनना है आपको वीडियो को, क्योंकि मैं पूरी तरीके से नोट्स के तरीके में नहीं लिख पा रहा हूं, तो आप इससे नोट्स बनाना है। दूसरी प्रक्रिया में क्या हुआ, विभेदन। अब विभेदन आप जानते हो क्या होता है, भारी पदार्थों का पृथ्वी के अंदर की ओर जाना और हल्के पदार्थों का ऊपर की ओर आना, ये क्या कहलाया, विभेदन कहलाया। और जब विभेदन हुआ तब क्या हुआ था, बहुत सारा जलवाष्प उत्सर्जित हुआ था, बहुत सारी गैसें उत्सर्जित हुई थी। कहां से, पृथ्वी से। किस क्रिया के दौरान, विभेदन की प्रक्रिया के दौरान। अच्छा इसको याद रखना, जब ये गैसें उत्सर्जित हुई थी ना इनको कहा गया डाइजेशन, उत्सर्जन, गैस उत्सर्जन। क्या कहा गया, गैस उत्सर्जन, डाइजेशन कहा गया था, याद रखना है, गैस उत्सर्जन कहा गया था जब विभेदन की प्रक्रिया हुई थी। तो दूसरी प्रक्रिया में विभेदन की प्रक्रिया हुई और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई और CO2 के संपर्क में आने पर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होना शुरू हो गई। और जब बारिश हुई तो फिर क्या हुआ, महासागर बने और महासागर बनने के कारण क्या हुआ कि जो महासागर बने तो महासागर में क्या हुआ, जो शैवाल, काई, ब्लू ग्रीन एल्गी, इस प्रकार के जो पौधे हैं उनका निर्माण हुआ और इनका निर्माण होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। अच्छा देखो तीसरे चरण में क्या हुई, महासागर बने। अब दोस्तों महासागर बने तो महासागर में क्या हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं अपन, प्राचीन पौधा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये उगा। ये पौधा उगने के बाद में क्या हुआ, ये जो पादप है, ये पादप उगने के बाद में इसने फोटोसिंथेसिस की क्रिया की यानी कि सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है कोई भी पौधा तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस का वो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। तो ऑक्सीजन गैस छोड़ा तो वायुमंडल में कौन सी गैस आने लग गई दोस्तों, अब ऑक्सीजन गैस आने लग गई। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का आना शुरू हुआ और इस तरीके से अपना जो वायुमंडल है,
तो इस तरीके से दोस्तों ये जो पादप है इनके आने से वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ने लगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचने लगा और धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो वायुमंडल को पूरित करने वाला जो समय था वो लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा था, यानी कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में आ चुकी थी, यानी कि आज से 200 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आ चुकी थी। अब देखिए दोबारा से बिग बैंग घटना हुई थी आज से 13.7 अरब करोड़ पहले, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा कालक्रम याद रखना है। फिर उसके बाद में क्या बने, ग्रह बने जो लगभग 4.5 से 4.6 करोड़ वर्ष पहले बने। इसके बाद में क्या बने, जो तारे बने वो लगभग 5 से 6 अरब साल पहले बने। फिर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा लगभग 4.44 अरब साल पहले बना। फिर उसके बाद में क्या बने दोस्तों, फिर उसके बाद में स्थल मंडल के बारे में अपने देखा, महासागर बने। महासागर आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व बने और महासागर बनने की वजह से ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा, क्योंकि महासागरीय जीव जो महासागरीय पौधे हैं वो महासागर में उगने लगे, उन्होंने फोटोसिंथेसिस की क्रिया की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उन्होंने ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन किया। ऑक्सीजन गैस जब वायुमंडल में आने लगी तो धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पूरित होने लगी और लगभग आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व वायुमंडल में पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन गैस का भंडार हो चुका था, यानी कि ऑक्सीजन गैस जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में पहुंच चुकी थी। अब बात करते हैं अपन जो आखिरी मंडल है जो इन सब मंडल से बना हुआ है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर से जो बनता है वो बनता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को देखते हैं यानी कि जीव मंडल के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन किस तरीके से आया, पहली बार जो जीवन और आखिरी जो अपना बचा हुआ है दोस्तों वो क्या है इस चैप्टर का, जीव मंडल। दोस्तों विद्वानों ने ये माना है कि जीव मंडल में सबसे पहले एक जीन की उत्पत्ति हुई थी। सभी विद्वान ये मानते हैं कि सबसे पहले जीव एक जीन की उत्पत्ति रासायनिक प्रक्रिया को मानते हैं। सभी विद्वान ये मानते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया से जीवन की उत्पत्ति हुई। कौन सी प्रक्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से। विद्वानों ने माना कि सर्वप्रथम सबसे पहले एक क्या था, एक जो जीव था एक जैविक अणु बना था। कौन सा अणु, जैव अणु बना था और ये जैव अणु क्या करता था, अपने आप को दोहराता था, अपने आप को दोहराता था। यानी कि ये निर्जीव जो पदार्थ थे उनमें जीवन डालता था। कौन सा, जीव अणु, और अपने आप को बार बार दोहराता था जिससे जीव आने लगे थे पृथ्वी पर, जीव बसने लगे थे। और आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी जो चट्टाने हैं, 300 करोड़ वर्ष पहले की जो चट्टाने हैं उन चट्टानों में जो पुरानी चट्टाने हैं उनमें शैवाल की संरचना पाई मिली है। किसकी मिली है, शैवाल की संरचना मिली है। अब शैवाल की संरचना मिलने पर क्या लगता है अपने को कि आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले भी पृथ्वी पर क्या था, जीव था, है ना। तो शैवाल अगर पाए गए हैं 300 करोड़ वर्ष पहले तो अपन कह सकते हैं ना कि 300 करोड़ वर्ष पहले जीव था पृथ्वी पर, है ना। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी पर लगभग जीवन जो है आज से 380 करोड़ वर्ष पूर्व आ चुका था, 380 करोड़ वर्ष पूर्व। लेकिन बहुत समय तक जीवन जो है वो महासागरों तक ही सीमित था, स्थल मंडल में बाद में जाकर जीवन का विकास हुआ। और इसके बारे में जो आपके 11th जो NCERT बुक है इसमें एक भूमापनी कालक्रम दे रखा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और समझ में आ रहा है तो अपने सहपाठियों के साथ में भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके, इसका फ़ायदा ले सके। ओके दोस्तों, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए इस लैब असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए और दिन रात जुटे रहिए अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।